Hello students, welcome to the computer world by Himanshu sir. We are continuing our chapter number 5, introduction to m-commerce. Now our next topic is legal issues in e-commerce and m-commerce. Now what is legal issues in e-commerce and m-commerce? Last time we have seen about some security issues created in the e-commerce and m-commerce. Then we have seen about the security measures in e-commerce and m-commerce. After that, maybe some legal issues will be created. So what will we do? E-commerce and m-commerce have many legal challenges as it is the activity performed on global internet without observing national boundaries. ई-कॉमर्स एम कॉमर्स की बात करें तो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर. उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, ग्लोबली है, और इंटरनेट ग्लोबली फैला हुआ है, तो नेशनल बाउंड्रीज के भी कोई उसमें प्रॉब्लम है. यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यू होते तो एक देश में से आप दूसरे देश में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते, तो मे बी वहाँ से कुछ हैक होता है या वहाँ से कुछ लीगल इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस है. अब एवरी नेशन हैज़ इट्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. सभी देश ने अपने खुद के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं. द मेजर चैलेंजेस आर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सबसे बड़े अगर इसमें चैलेंजेस है तो वन इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसमें कॉपी राइट्स है, प्राइवेसी है, एंड मैनी टाइम्स द डिस्प्यूट अमंग द पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो उसमें होते, तो उसके लिए इस रिलेटेड लीगल इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. द लीगल फ्रेमवर्क इज़ नेसेसरी टू रिजॉल्व दिस इश्यू. अब ऐसे लीगल इश्यूज अगर क्रिएट हो रहे तो एक लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है उसके लिए, जो ये सब इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके, उसको सॉल्व कर सके. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टाब्लिश द आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अंडर द आईटी एक्ट. हमारे देश ने भी, हमारे गवर्नमेंट ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो आईटी एक्ट के अंडर में आते हैं. दिस प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर दैट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमेन सीक्रेट एंड विल नॉट बी मिसयूज्ड. ये आईटी लॉज के थ्रू हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कस्टमर्स के ऊपर. अगर वो इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स या एम कॉमर्स के थ्रू कुछ भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो सीक्रेट, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहेगी और उसका मिसयूज नहीं होगा. इफ़ इट इज़ मिसयूज, अगर मिसयूज हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कैन बी पनिश. तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. तो ये आईटी लॉज हमारे इंडिया के अंदर भी बनाए गए हैं ताकि हमारे इंडियन कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. Now next point is securing intellectual property. Now what is intellectual property? Intellectual property क्या होता है? तो intellectual property includes books, software, music, video, copyright, trademark and web pages. आप अपने intellectuality यानी आप अपनी बुद्धि क्षमता यूज़ करके जो कुछ भी डिज़ाइन करते हो या आपके अंदर जो क्वालिटी है उसका यूज़ करके आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो वो आपकी intellectual properties होती है. जैसे आपने कोई बुक लिखी है तो यू आर डॉटर, तो आप ये जो बुक है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है खुद से कोडिंग करके तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. आपने कोई म्यूज़िक बनाया है, आपने कोई वीडियोस बनाया है, कुछ आपने डिज़ाइन किया है कुछ पर्टिकुलर, तो उसके लिए आपने कुछ कॉपी राइट्स लिए, कुछ ट्रेडमार्क्स आपने डिज़ाइन किए, कुछ सिम्बॉल्स है, लोगोस है, ये सब डिज़ाइन किए हुए हैं. आपने वेब पेज क्रिएट किए हैं, तो ये सब जो है आपने अपना दिमाग यूज़ करके, अपने माइंड यूज़ करके जो बनाया है, डेट्स वाई इट इज़ नॉन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेट अस डिस्कस सम इश्यूज़ रिलेटेड टू डेम. कि क्या इश्यूज उसके रिलेटेड होते हैं वो देखते हैं हम. तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जिसमें सबसे पहला है कॉपीराइट. Now what is copyright? A copyright provides the author with the tools to protect his or original work from being used or taken by others without permission. आपने कुछ बनाया है, कुछ डिज़ाइन करके दिया है, तो कॉपीराइट जो है वो ऑथर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उसने जो बनाया है वो ओरिजिनल वर्क है, वो अगर कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो कॉपीराइट का इश्यू होगा. अगर यूज़ करना चाहे तो उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. इट इज़ एप्लीकेबल टू बुक्स, सॉफ्टवेयर एंड आर्टिकल्स. ये जो बुक्स है आपने बनाए हैं या फिर आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ आर्टिकल्स बनाए, तो उसके लिए कॉपीराइट्स वाला यूज़ होता है. यू कैन नॉट यूज़ इट फ्रीली. आप उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हो. आगे देखेंगे कॉपीराइट में. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. जितने भी वेब पेजेस है सभी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड किए गए हैं. इन डेट केस कॉपिंग कंटेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो वायलेट्स कॉपीराइट्स लॉ. इट मीन्स अगर कोई वेबसाइट बनी है, कोई वेब पेज बना है, अगर आप उसके ऊपर से कोई भी कंटेंट्स ले रहे हो, आपके लिए यूज़ कर रहे हो, तो देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ कॉपीराइट. सो कॉपीराइट आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन.
नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज़ अ स्पेसिफिक लोगो, मार्क, वर्ड, सिंबल, डिजाइन, फ्रेज और इमेज विच इज़ यूज बाय द इंडिविजुअल और अ कंपनी टू डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स इन द मार्केट। एक तरह का लोगो है, स्पेसिफिक लोगो है, डिज़ाइन किया गया है, एक मार्क है, एक वर्ड बनाया है आपने, एक सिंबल बनाया। जैसे आप देखोगे हर कंपनी, ज़्यादातर जितनी भी कंपनी है सभी कंपनी ने अपने अपने कुछ लोगोज डिज़ाइन किए हैं, कुछ वर्ड जैसा बनाया है, कुछ सिंबल्स बनाया है, कुछ डिज़ाइन किए हैं। तो ये सब जो है फ्रेज है, इमेजेस है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए, तो उसको ट्रेडमार्क बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, अ ट्रेडमार्क मे बी टू डिज़ाइन बाय द फॉलोइंग सिंबल्स TM, SM एंड R। अब बात करें, अगर आपने कोई इमेज बनाई है, जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल का एक लोगो डिज़ाइन किया गया है, या फिर कोई कंपनी है, कंपनी ने अपना लोगो डिज़ाइन किया गया है, तो जो डिज़ाइन होगा उसके साथ में ये तीनों में से कोई एक वर्ड यूज़ होता है। जैसे TM मीन्स ट्रेडमार्क है, SM मीन्स सेल मार्क है, R मीन्स रजिस्टर्ड है। यानी ऐसे कोई ना कोई सिम्बॉल के थ्रू पता चलेगा कि ये जो कुछ भी इमेज है या ये जो कुछ भी लोगो या कोई सिम्बॉल बनाया गया है वो रजिस्टर्ड किया गया है, ट्रेडमार्क है ये, यानी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ करना चाहो तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। डोमेन नेम मीन्स व्हाट? डोमेन नेम यानी किसी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको डोमेन नेम बोला जाता है। द कंपटीशन ओवर डोमेन नेम्स इज अनदर लीगल इशू। अब इसमें भी बहुत सारी कंपटीशन हो गई, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, ग्लोबली है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट्स के जो नाम होते हैं, ज़्यादातर सभी ऐसे चाहते हैं कि भाई अपनी कंपनी है तो उसी का नाम वहाँ पे वेबसाइट में आना चाहिए, बट पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसा सेम टू साइन नाम अगर किसी और ने यूज़ किया है तो वो आपको नहीं मिलेगा। यानी डोमेन नेम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द डोमेन नेम्स वेर गिवन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। ये जो डोमेन नेम जो दिया जाता है, पहले जिसने रजिस्टर्ड करवाई अपनी वेबसाइट, अपना डोमेन नेम जिसने रजिस्टर कर, तो उसको वो मिल जाएगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। तो पीपल वुड रजिस्टर डोमेन नेम्स डेट वेर डू नॉट यूज बट वुड बी इम्पोर्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उन्होंने रजिस्टर नहीं, वो नाम नहीं, बट वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे नाम को वो रजिस्टर करवा देते हैं। लेटर ऑन सच डोमेन नेम्स आर सोल्ड टू कंसर्न कंपनी एट अ वेरी हाई प्राइस। फिर बाद में उसको वेरी हाई प्राइस के अंदर सेल किया जाता है। जैसे कोई बंदा है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, उसने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का जो नाम है वो नाम उसने अपने वेबसाइट के ऊपर रख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCD प्राइवेट लिमिटेड। अब ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक और भी है, वो चाहती है कि भाई उसको उसकी वेबसाइट को भी वही नाम मिले, तो क्या करते हैं वो लोग, फिर जो अपनी जो नाम है वो दूसरे उनको बहुत ही हाई प्राइस के अंदर उसको सेल कर देते हैं। दूसरी बात करें, दिस इज़ नॉन एज साइबर स्क्वैटिंग। ये जो प्रोसेस है कि भाई कोई दूसरा उस नाम को ले रहा है और फिर नाम लेने के बाद दूसरे को हाई प्राइस में सेल कर रहा है, तो दैट इज़ नॉन एज द साइबर स्क्वैटिंग, उसको साइबर स्क्वैटिंग भी बोला जाता है। डोमेन नेम डिस्प्यूट में आगे देखते हैं, अनदर प्रॉब्लम इज नेम चेंजिंग वेयर समवन रजिस्टर्ड पर्पसली मिसस्पेल वेरिएशन एंड वेल नोन डोमेन नेम्स। बहुत जो फेमस कंपनियां हैं या फिर बैंक्स है, ये सब के जो डोमेन नेम होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवाते हो तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेम स्पेलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में नाम होता है तो सेम स्पेल्स नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ले-जी है तो PARLE ये SSI होती है, बट वहाँ पे एक दो कैरेक्टर आगे पीछे करके रख दो। नॉर्मली पब्लिक का ये प्रॉब्लम है कि जब इंटरनेट यूज़ करे तो एड्रेस बार में कभी वो पढ़ते भी नहीं है कि एग्जैक्ट क्या नाम लिखा हुआ है, उसको सेम टू सेम नाम जैसा लगेगा तो फिर उसको उस पर वेबसाइट के ऊपर वो वर्क करने लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम भी अब बहुत शुरू हो गया है। दिस कैन बी मिसस्पेल्ड द कंज्यूमर, दिस कैन मिसलीड द कंज्यूमर हु जनरली मेक टाइपोग्राफिकल एरर वाइज एंटरिंग ए URL। जैसे आप URL एंटर करने जाओगे, आप गूगल यूज़ करते हो, आपको पता है आप एड्रेस बार में जैसे लिखने जाओगे लंबा लिस्ट आ जाता है, आपने कोई भी नाम लिखा हो तो उसके नाम का, अब वहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर पता भी नहीं चलेगी आपको, भाई एक ए या ई आगे पीछे कर दिया, और आप उसको सेलेक्ट करके आप ऑन कर दोगे तो वो पर्टिकुलर उस हैकर्स की वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप काम करने लगोगे। तो ये डोमेन नेम भी है, ये डिस्प्यूट बहुत हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है तो वो देखते हैं। सम मेथड्स एंड सिस्टम्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ सिस्टम्स मेथड बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेथड्स भी डिस्कस किया। यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स जो यूज हो रही है अभी वर्ल्ड में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज टेक्नोग्राफी एंड सेकंड इज डिजिटल वाटर मार्किंग। नाउ व्हाट इज दैट, क्या होता है ये टेक्नोग्राफी, क्या है डिजिटल वाटर मार्किंग, क्या है ये देखते हैं अब। द फर्स्ट वन इज टेक्नोग्राफी।
Now what is टेक्नोग्राफी? टेक्नोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अदर इन्फॉर्मेशन. आपकी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर जो चल रही है या कहीं पे वेब पेज में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर है तो उसके पीछे भी कोई इन्फॉर्मेशन आप हाइड करके रख दोगे. जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई कोई ना कोई, जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि अगर आप MP3 डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉन्ग आपको अच्छा लग रहा है, आप सॉन्ग MP3 डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड हो जाता है लेकिन जब आप प्ले करोगे तो उसमें उस पर्टिकुलर सॉन्ग की एक इमेज भी दिखेगी. आपने इमेज तो डाउनलोड नहीं की है फिर भी वो इमेज दिख रही है. क्यों दिख रही है? क्योंकि वो स्टेग्नोग्राफी से उस MP3 फॉर्मेट है उसके पीछे रखी गई है, उसको हाइड करके रखा गया. यानी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ये इमेज के अंदर वो बता देंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट से है, मेरे वेब पेज से, मेरे यहाँ से यूज़ किया जा रहा है. तो फाइल सच एज इमेजेस, साउंड और टेक्स्ट इफ नॉट प्रोटेक्टेड कैन बी यूज फॉर एनी मैलिशियस पर्पज. अगर आप इसको नहीं हाइड करोगे, नहीं ऐसे स्टेग्नोग्राफी यूज़ करोगे, तो आप जो इमेज यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी साउंड या टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो उसका मिसयूज़ होने के चांसेस है. मैलिशियस पर्पज यानी किसी दूसरी वजह कारण के लिए भी यूज़ किया जा सकता है उसको. हिडन इन्फॉर्मेशन कैन बी प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और इवन इमेज. हिडन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट भी आप रख सकते हो. साइफर टेक्स्ट है जो हमने क्रिप्टोग्राफी में देखा था, यानी अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है. और इवन इमेज, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भाई MP3 फॉर्मेट है, MP3 सॉन्ग डाउनलोड है, उसके पीछे एक इमेज भी हो रही है. तो डेट इज़ द सिस्टम ऑफ स्टेग्नोग्राफी. स्टेग्नोग्राफी में आगे देखते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर स्टेग्नोग्राफी. आपको ये स्टेग्नोग्राफी करनी है, कुछ भी आपकी जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी बुक है या फिर इमेजेस रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, उसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखनी है जिससे आप पता चले कि भाई आपकी ही प्रोडक्ट है. तो उसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए. एंड देयर आर सॉफ्टवेयर वर्जन अवेलेबल इंटरनेट विच कैन बी इजीली डाउनलोड. और फ्रीली है ये, तो फ्रीवेयर में यूज़ होता है. स्टेग्नोग्राफी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे. नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल वाटर मार्किंग. और वाटर मार्किंग एक ऐसा वर्ड है कि भाई सबको पता चलता है कि भाई क्या होता है वाटर मार्किंग. नॉर्मली आप थियोरिकल बात करें, हम हार्ड कॉपी की बात करें, तो ज़्यादातर क्लासेस है, स्कूल्स है या कंपनी है, अपनी कंपनी का या फिर स्कूल या फिर क्लास है, अपने नाम जो का जो लोगो है वो पीछे जो रिटर्न लिखा हुआ है उसके पीछे थोड़ा डल करके वो रख देते हैं. तो ये दैट इज़ वाटर मार्किंग, ये पता है. डिजिटल वाटर मार्किंग क्या है? तो वाटर मार्किंग इज डिजिटल कोड इंसर्ट इन टू डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल विच कैन आइडेंटिफाई द फाइल्स कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन. यहाँ से आपको पता चलेगा भाई कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा. अगर आप मैंने कोई सॉन्ग ऊपर अपलोड करके रखा है, कुछ भी वीडियोज या कुछ भी अपलोड करके रखा है, वो अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है और वो ऐसा बता भाई नहीं ये तो उनका नहीं ये मेरा है, तो ये हम वाटर मार्केट थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि नहीं भाई देखिए ये मैंने एक डिजिटल इमेज या ऑडियो वीडियो जो है उसके पीछे मैंने एक इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, इससे पता चलेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है. इट इज़ ऑल्सो अलाउज हाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन टोटली इनविजिबल मैनर. यहाँ पे टोटली इनविजिबल मैनर्स में ये हाइडिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, यानी कि सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट रखे उसके पीछे उन्होंने डिजिटल वाटर मार्किंग करके रखा. इन फ्यूचर अगर लीगल इश्यूज होते हैं और हमें प्रूव करना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम प्रूव कर सकते, देखिए ये जो प्रोडक्ट है उसके पीछे ये हमारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, तो हाइड करके रखी, इससे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर इमेज या व्हाटएवर ये हमारी है, ऐसा प्रूव कर सकते हो. डिजिटल वाटर मार्किंग में आगे देखेंगे, इन द फील्ड ऑफ डेटा सिक्योरिटी वाटर मार्क कैन बी यूज फॉर सर्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन. डेटा को सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है आज के वर्ल्ड में, तो वाटर मार्क जो यूज़ हो रहा है उसके लिए सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है. विजिबल डिजिटल वाटर मार्क कैन बी एडेड टू एनी इमेज यूजिंग फोटो एडिटर टूल्स. फोटो एडिटर टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है, उसके थ्रू आप डिजिटल वाटर मार्क ऐड कर सकते हो, इमेज के अंदर ऐड कर सकते हो या फिर किसी टेक्स्ट के पीछे आप ऐड कर सकते हो उसको बहुत ईजिली. डिजिटल वाटर मार्किंग में आगे बात करें, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि डिजिटल वाटर मार्किंग कैसे बनाया जाता है. इन पासपोर्ट द नेम ऑफ ऑनर कैन बी हिडन इन द पासपोर्ट फोटो बाय यूजिंग डिजिटल वाटर मार्किंग. जब आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पासपोर्ट के अंदर आपका फोटो होता है. पहले ऐसा होता था कि भाई फोटो चिपकाया जाता है, बट अब तो फोटो वो लोग क्लिक करके ले लेते और आपके पासपोर्ट में छपा प्रिंटेड होता है पहले है. अब फोटो की जगह पे फॉर एग्जांपल उसको कोई दूसरा स्कैन करके अपना दूसरा फोटो लगाने की ट्राई करता है, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वाटर मार्किंग सिस्टम सेट कर दी गई है.
If anyone tries to tamper with the passport by replacing photo, it would be possible to detect the change by scanning the passport. अगर कोई इसको tamper करना चाहता है, change करने की try करेगा passport के अंदर photo को, replace करने का, तो वो scanning के through पता चल जाएगा, बस क्योंकि scanning के अंदर ये information रखी गई है कि भाई यहाँ पे, for example मेरा है, तो मेरा passport है, तो मेरे passport के ऊपर मेरा photo है, अगर कोई दूसरा बंदा उसको change करना चाहेगा, वो change तो कर लेगा, लेकिन पीछे जो information जो उसमें छपी हुई है, digital watermarking के through, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ होगा, यानी किसी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ टैम्परिंग किया गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ये कुछ लीगल इश्यूज़ है जो इन कॉमर्स और एम कॉमर्स में बहुत होते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हमने देखा. हैव अ नाइस डे.